बांदा चित्रकूट लोकसभा एक तो है, लेकिन प्रत्याशियों का चुनाव खासकर चित्रकूट जिले से ही होता है, ये बांदा निवासियों का कहना है और जो राजनीतिक लोग हैं यहाँ के उनका कहना है। लगभग 32 सालों से यहाँ के लोगों के सिर सांसद का ताज नहीं चढ़ा है, नहीं सजा है। आखिरकार ऐसा क्यों है? इस लोकसभा चुनाव में ही देख लीजिए, गठबंधन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के तीनों प्रत्याशी चित्रकूट से चुने गए, ऐसा क्यों? बांदा निवासी होने के नाते आपको क्या लगता है? हमको ऐसा लगता है कि यहाँ बांदा के साथ जो है सरकार भेदभाव कर रही है और यहाँ प्रत्याशी एक से एक योग्य प्रत्याशी पड़ा हुआ है। अब क्योंकि वहाँ दस्यु प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए वहाँ के लिए ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। बांदा हमारा कमिश्नरी का मुख्यालय होने का गौरव प्राप्त है, जिला मुख्यालय है और बांदा चित्रकूट के नाम से सीट हमारे इसका नाम चलता है। ये दुर्भाग्य है कि जब से कांग्रेस का पतन हुआ है तब से हमारे यहाँ सांसद ने 1984 में स्वर्गीय भीष्म देव दुबे बांदा के सांसद होते थे, और चूंकि जब से डाकुओं का अपराधियों का वर्चस्व राजनीति में बढ़ा तब से पाठा क्षेत्र वो जंगली क्षेत्र वहाँ के प्रत्याशियों को डाकू जिताते रहे, इसलिए सभी पार्टियों को होड़ लग गई, वहीं के प्रत्याशी उतारने लगे। सभी को डकैतों का समर्थन चाहिए, जनता का समर्थन नहीं चाहिए, डकैतों का समर्थन चाहिए, क्योंकि ये उनसे सौदा करने के बाद उनको संरक्षण देते हैं अपराधियों को। और बांदा की जनता तो बेबस है। 35 साल से बांदा के व्यक्ति को किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। इसका आशय ये नहीं है कि कंपलसरी दिया जाए, ये करना चाहिए कि एक पंचवर्षीय में इनको लड़ाइए, एक पंचवर्षीय में उसे लड़ाइए, तो दोनों क्षेत्र का विकास हो सकता है। जिस घर का जिस क्षेत्र का आदमी होता है उसको उस क्षेत्र की ज़्यादा चिंता होती है। हर माँ बाप अपने घर के बच्चों को जाकर पहले देखता सुनता है, उसी तरह तो जनप्रतिनिधि होगा कि वो अपने क्षेत्र को देखेंगे, दूसरे थोड़े वंचित रह जाएंगे, तो ये कष्ट रहता है। अच्छा, जो कोई जंगन जब गड्डी दिया थे वो उन्हीं को वो मिलता है टिकट, इधर न क्षमता दार नहीं मिले टिकट वो दिन तो नहीं मिलता। तो ऐसे विकास तो जो को गड्डी दे दिया थे वो तब वो कब वो पाएगा लाएगा इन तरह का। यहाँ विकास का मतलब बांदा जिला का मसला है। तो क्या सारे प्रत्याशी गड्डी वाले हैं चित्रकूट के? तो हाँ, तो नहीं तो कमजोर वाले उनको दिया नहीं जाता भाई। तो किस तरह के नुकसान है यहाँ की जनता के लिए? नुकसान सब है कुछ है, क्योंकि कोई प्रोग्रेस नहीं होती, ना कोई हमारे यहाँ का विकास हो पाता है, ना कोई किसानों का ध्यान देता है, ना कोई इंडस्ट्री का ध्यान देता है, कोई विकास ही नहीं हो रहा। ऐसी स्थिति में हमारे जिले का कितना बड़ा नुकसान है, इसको उनको मादा नहीं है। सब पार्टियों को ज्ञान होना चाहिए। क्या इसको टूटना चाहिए इस परंपरा? हाँ, टूटना चाहिए, तभी तो देश क्षेत्र का विकास होगा। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें।